नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है साथ चलने में शर्म कैसी। मेरी लिखी हुई और नई कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। रिया और आनंद शादी के बाद से ही शहर चले गए थे। शादी के 6 महीने के बाद आनंद छुट्टी लेकर सबसे मिलने के लिए गांव पहुंचा। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। ससुराल में सबने रिया का खुले दिल से स्वागत किया। रिया भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। रिया के ससुर जी अगले दिन सुबह सुबह खेतों से सरसों का साग तोड़कर लाए। रिया की ननद घर के पीछे अमरूद के पेड़ से मीठे मीठे लाल अमरूद तोड़कर लाई। रिया की सास ने बड़े ही प्यार से रिया और आनंद के लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी का नाश्ता बनाया। जैसे ही रिया नहा धोकर तैयार होकर बरामदे में बैठी, उसकी ननद ने एक थाली में सरसों का साग, मक्के की रोटी, एक कटोरी मलाई वाली दही, गांव का शुद्ध गुड़ और ताजा धनिया पुदीने की चटनी सजाकर उसे नाश्ता दिया। साथ में मीठे लाल अमरूद भी लाकर उसके सामने रख दिए। रिया ससुराल में इतनी आवभगत देखकर बहुत खुश हो गई। उसने घर के कामों में मदद करनी चाही तो उसकी सास और ननद ने यह कहते हुए मना कर दिया कि तुम शहर में तो सब करते ही हो, यहाँ तो कम से कम आराम कर लो। रिया के लिए यह अनुभव बहुत ही अनोखा था। नाश्ते के बाद रिया की सास ने आनंद से कहा कि जाओ बहू को हमारे खेत और गांव घुमा लाओ। रिया और आनंद घर से बाहर निकले। रिया की सास अरुणा जी उन्हें छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई। रिया और आनंद आंखों से ओझल होने ही वाले थे तभी पड़ोस की काकी ने मुंह बनाते हुए कहा, आजकल के बच्चों को जरा भी लिहाज ही नहीं है, देखो तो कैसे आनंद और उसकी बहुरिया एक साथ चल रहे हैं, हमारी तो शादी को 40 साल होने को आए। हम तो आज तक कभी भी अपने पति के साथ ना चले, हम तो कभी भी कहीं भी जाए हैं तो उनके पीछे पीछे ही चलते हैं। अरुणा जी ने काकी को समझाते हुए कहा, तो क्या हो गया काकी, बच्चे साथ में चल रहे हैं तो उसमें शर्म कैसी है। अरे भाई, दोनों ने शादी की है, एक साथ रहते हैं, खाते हैं, उठते बैठते हैं, तो साथ चलने में क्या दिक्कत है। यह बात तो मुझे समझ में ना आई कि पति आगे चले और पत्नी उसके पीछे पीछे, यह सब पुराने जमाने की बात हो गई कि पति को आगे चलना चाहिए और पत्नी को पीछे। अब इन सब बातों को कौन मानता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बेटा और बहू एक साथ चलते हैं, कितनी प्यारी जोड़ी है उनकी, नजर ना लगे किसी की। इतना बोलकर रिया की सास अंदर चली गई और काकी मुंह बनाते हुए बोलने लगी, कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, पहले के लोग यह मानते थे कि पति को आगे और पत्नी को पीछे ही चलना चाहिए, लेकिन अब यह सब ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।